बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पीटर नॉर्टन का चैप्टर नंबर 2A देखेंगे, जो कि है यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस। यानी हम आज के इस लेक्चर में कीबोर्ड और माउस को देखेंगे। आज की इस वीडियो में जस्ट हम कीबोर्ड पे फोकस करेंगे। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इट इज एन इनपुट डिवाइस टू गिव कंप्यूटर सम इनपुट। इट इज लाइक पेन इन राइटिंग। कीबोर्ड क्या है? आपकी बेसिक इनपुट डिवाइस है। इसके जरिए से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं। ये आपके एक पेन की तरह होती है। कैसे? जिस तरह आप पेन की मदद से किसी कागज पे लिखते हैं, इसी तरह हम कीबोर्ड की मदद से अपने फाइल पे लिखते हैं। इट इज कॉल्ड कीबोर्ड बिकॉज इट इज कंप्राइज ऑफ अ बोर्ड विथ कीज इंस्टॉल्ड। इसे कीबोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर डिफरेंट कीज इंस्टॉल होती हैं, जिसकी वजह से ये कीबोर्ड कहलाता है। एवरी की सेंड्स यूनिक इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। हर की क्या करती है, कंप्यूटर को एक खास किस्म की यूनिक इंफॉर्मेशन सेंड करती है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इंक्लूड्स अबाउट 100 की। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में तकरीबन 100 कीज होती हैं। ईच की सेंड्स अ डिफरेंट सिग्नल टू द सीपीयू। हर की एक डिफरेंट सिग्नल सीपीयू को भेजती है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, आपने ये कीबोर्ड अपनी जिंदगी में डिफरेंट किस्म की लैब्स में, कंप्यूटर लैब्स में, अपने घर में, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे देखा होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कीज हैं जो कि अबाउट 100 हैं। हम देखें तो हम इस कीबोर्ड को दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेक्शन है वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है, और ये जो एरिया है इसे हम, इस वाले एरिया को न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। जब हम इस कीबोर्ड को देखते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड को, तो हमें ऊपर कुछ फंक्शन कीज भी दिखाई देती हैं। इसके अलावा हमें कर्सर कीज भी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हमें कुछ स्पेशल किस्म की कीज भी नज़र आ रही हैं, जिसमें शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, बैकस्पेस, एस्केप आपको कीज दिखाई दे रही हैं। हम अगर अपने न्यूमेरिक कीपैड पे देखें तो हमें कुछ और कीज भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि नम लॉक, पेज अप, होम एंड डिलीट और इंसर्ट वगैरह। इस तरह हमारा कीबोर्ड डिफरेंट कीज का कॉम्बिनेशन है, यानी डिफरेंट कीज से मिलके हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड बन जाता है। प्रोसेस ऑफ की प्रेसिंग। की स्ट्रोक इज अ सिंगल प्रेस ऑफ अ की ऑन अ कीबोर्ड। जब भी हम अपने कीबोर्ड से कोई एक की को प्रेस करते हैं तो इस प्रोसेस को की स्ट्रोक हम कहते हैं। बेसिक कीबोर्ड कीज, देयर आर यूजुअली 104 कीज ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। आमतौर पर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में तकरीबन 104 कीज होती हैं। प्रेसिंग द की वंस एंड रिलीजिंग इट इज कॉल्ड अ की स्ट्रोक। जब भी आप कोई की प्रेस करके उसे रिलीज करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, की स्ट्रोक कहलाता है। कीबोर्ड टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड। की अरेंजमेंट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दिस कीबोर्ड्स। सम मे हैव स्पेशल कीज फॉर अदर टास्क देन जस्ट टाइपिंग। दिस स्पेशल कीबोर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर मल्टीमीडिया पर्पसेस लाइक वीडियो एडिटिंग, साउंड डिजाइन एक्सेट्रा। हमारे पास डिफरेंट किस्म के कीबोर्ड्स होते हैं, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड है। आपको जो हमारे डिफरेंट कीबोर्ड होंगे उन पे की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। हमारे पास कुछ खास किस्म के कीबोर्ड्स भी यूज होते हैं, जो कि जिन पर आप टाइपिंग के अलावा भी कुछ खास ऑपरेशंस, खास टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह के जो स्पेशल कीबोर्ड्स होते हैं वो आमतौर पर अगर आपको कोई वीडियो एडिट करनी है, कुछ साउंड रिकॉर्डिंग करनी है, तो आमतौर पर मल्टीमीडिया पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। द अल्फान्यूमेरिक कीज, द एरिया ऑफ द कीबोर्ड दैट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर्स की। कीज आर अरेंज्ड द सेम वे ऑन ऑलमोस्ट एवरी कीबोर्ड। Sometimes this common arrangement is called the poetry layout because the first six keys on the top row of letters are poetry. आपको मैंने दिखाया था कि जो first half आप लोगों का keyboard का हिस्सा होता है वो आपका alphanumeric
अल्फा नुमेरिक की पैड कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके न्यूमेरिक्स और अल्फाबेटिक्स दोनों एक साथ दी हुई हैं, इसलिए हम उन्हें अल्फा नुमेरिक कह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है कीबोर्ड का वो आपका कॉम्बिनेशन है आपके न्यूमेरिक्स का और आपके अल्फाबेट्स का। अगर आप फर्स्ट रो देखें तो उसके ऊपर आपको जो उसकी लेआउट नजर आती है कीज की, सबसे जो पहली की है वो क्यू, फिर डब्ल्यू, फिर ई, आर, टी, वाई। इसे हम क्विटली लेआउट भी कह सकते हैं। अलॉन्ग विद द कीज दैट प्रोड्यूस लेटर एंड नंबर्स द अल्फानुमेरिक की ग्रुप इंक्लूड्स फॉर फोर कीज हैविंग स्पेसिफिक फंक्शंस। जहां पे हम कह रहे हैं कि अल्फानुमेरिक कीज में हमारे लेटर्स और नंबर्स आते हैं, वहां पर हम कह रहे हैं कि चार कीज और भी हैं जिन्हें हम अल्फानुमेरिक ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। वो कौन कौन सी कीज हैं? वो हमारी टैब की, कैप्स लॉक, बैकस्पेस और एंटर कीज हैं। इनको भी हम कहते हैं कि हमारी अल्फानुमेरिक कीज का पार्ट है। करेक्टर कीज, करेक्टर कीज कौन सी कीज होती हैं? दीज आर यूज टू एंटर अल्फाबेटिक करेक्टर्स। ये हमारी ऐसी कीज हैं जिनकी मदद से हम अल्फाबेटिक्स लेटर्स को एंटर कर सकते हैं। दीज करेक्टर्स बिकम अपर केस व्हेन प्रेस विथ शिफ्ट की और कैप्स लॉक इज ऑन। जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं तो वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, वो अल्फाबेट या वो करेक्टर। लेकिन अगर आप चाहें कि हम उसे अपर केस में लिखें, या अगर आप उस लेटर को अपर केस में लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप पहले शिफ्ट प्रेस करें और फिर वो लेटर प्रेस करें तो वो लेटर आपका अपर केस में आ जाएगा, और अगर आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कैप्स लॉक को ऑन कर लें, फिर आप जो भी की प्रेस करेंगे वो कैप्स लेटर में, कैप्स में लिखी जाएगी, यानी अब आपको उसका जो फॉन्ट है वो अपर केस में नजर आएगा। मॉडिफाई और स्पेशल कीज, मॉडिफाई और स्पेशल कीज कौन सी कीज होती हैं? शिफ्ट, ऑल्ट एंड कंट्रोल कीज आर कॉल्ड मॉडिफायर और स्पेशल कीज, एंड व्हेन प्रेस्ड विद अदर कीज परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशंस। शिफ्ट, ऑल्ट एंड कंट्रोल हमारी मॉडिफायर और स्पेशल कीज कहलाती हैं, लेकिन जब भी हम इन्हें किसी दूसरी कीज के साथ प्रेस करते हैं, यानी मिला के उन कीज को प्रेस करते हैं, तो वो कोई खास ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी विल कॉपी द सिलेक्टेड फाइल और टेक्स्ट, शिफ्ट प्लस करेक्टर की विल प्रिंट दैट करेक्टर इन कैपिटल। यहाँ पे दो मिसालें दी गई हैं। जब हमने अगर कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया, उसे हम कॉपी करना चाहते हैं, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर हम कंट्रोल की सी करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई फाइल सिलेक्ट की हुई है या टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो आप उसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी करेक्टर को कैपिटल लेटर्स में या अपर केस में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उस लेटर को, उस की को प्रेस करने से पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस जे, ये करेंगे तो अब आपका लेटर क्या होगा? कैपिटल में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्रेस द जे की यू इनपुट अ स्मॉल लेटर। जब फर्स्ट टाइम आपने जे को प्रेस किया तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, बट इफ यू होल्ड डाउन द शिफ्ट की वाइल प्रेसिंग द जे की यू इनपुट अ कैपिटल जे। लेकिन जैसे ही आपने शिफ्ट प्रेस किया और जे प्रेस किया तो अब वो आपके पास स्मॉल लेटर्स में नहीं बल्कि कैपिटल लेटर्स में आपको नजर आएगा। मॉडिफायर कीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल बिकॉज दे गिव ऑल अदर कीज मल्टीपल कैपेबिलिटीज। मॉडिफायर कीज क्या है? इंतहाई यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी कीज के साथ मिलकर आपको और ज्यादा फंक्शनैलिटी और ज्यादा कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज किस तरह की कीज होती हैं? जिस तरह के हमें पता चल रहा है न्यूमेरिक यानी नंबर वाली होंगी। देयर आर 10 नंबर्स और न्यूमेरिक कीज 1, 2, 3, 2, 9 एंड 0 ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स। दीज आर यूज इन द सेम फैशन एज टाइपराइटर्स कीबोर्ड टू एंटर नंबर्स। जब भी आपको कोई नंबर एंटर करना है तो आपको न्यूमेरिक कीज की जरूरत होगी। दीज बिकम सिंबल्स और पंचुएशन मार्क्स व्हेन प्रेस विद द शिफ्ट की। इन्हीं कीज को हम अगर देखें, न्यूमेरिक कीज को, तो आपको ऊपर की तरफ कुछ और सिंबल्स दिखाई देते हैं या कुछ पंचुएशन लेटर्स आपको नजर आते हैं। अगर आप उनको लिखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, उनको टाइप करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर जिस नंबर के अगेंस्ट पंचुएशन मार्क या सिंबल है उसको, उस की को प्रेस करेंगे। जैसे कि शिफ्ट प्लस 8 करें तो हमारे पास
स्टेरिक, हमारे पास स्टेरिक का साइन प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम शिफ्ट प्लस 4 करें तो हमारे पास डॉलर साइन आ जाता है। इस तरह आप डिफरेंट किस्म के सिंबल्स प्रिंट करा सकते हैं शिफ्ट और नंबर कीज को यूज करते हुए। न्यूमेरिक कीपैड, द न्यूमेरिक कीपैड इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। मैंने आपको दिखाया था कि राइट साइड पे जो हमें एरिया है वो हमारा न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। द न्यूमेरिक कीपैड लुक्स लाइक अ कैलकुलेटर्स कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड आपको हमेशा हमेशा एक कैलकुलेटर की तरह दिखाई देता है। जैसे स्टार्ट में हम कैलकुलेटर यूज करते थे तो उसमें हमारे पास इसी तरह 10 नंबर्स होते थे और कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते थे मैथमेटिकल, लाइक आप डिवीजन कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस कर सकते थे। इसी तरह जब हम अपने न्यूमेरिक कीपैड को देखते हैं तो आपको एक कैलकुलेटर की तरह उसमें वही फंक्शंस और वही डिजिट्स दिखाई देते हैं। द न्यूमेरिक कीपैड लुक्स लाइक अ कैलकुलेटर्स कीपैड विद इट्स 10 डिजिट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। द न्यूमेरिक कीपैड आल्सो फीचर्स एन अनलॉक की विच फोर्सेस द न्यूमेरिक कीज टू इनपुट नंबर्स। आपको न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर एक नम लॉक की दिखाई देती है जिसकी मदद से अगर आप उसे ऑन करें तो आप अपने नंबर्स को आप इनपुट नंबर्स की दे सकते हैं व्हेन नम लॉक इज डीएक्टिवेटेड। लेकिन अगर आपने उस नम लॉक को डीएक्टिवेट किया हुआ यानी ऑफ रखा हुआ ऑन नहीं किया हुआ द नंबर न्यूमेरिक कीपैड्स की परफॉर्म कर्सर मूवमेंट कंट्रोल एंड अदर फंक्शन। तो न्यूमेरिक कीपैड के जरिए आप नंबर एंटर नहीं कर सकते, उस वक्त वो क्या करेंगे, सिर्फ कर्सर मूवमेंट का काम कर रही होंगी, यानी आप उसके जरिए कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं या कोई दूसरे फंक्शंस लाइक एंटर वगैरह को परफॉर्म करा सकते हैं, अदरवाइज नंबर आप एंटर नहीं कर सकते। द फंक्शंस की, फंक्शंस की आपके पास कैसी कीज होती हैं, आपने कीबोर्ड पे सबसे ऊपर देखें तो आपको सबसे पहले जो कीज दिखाई देती हैं वो आपकी फंक्शंस कीज होती हैं। फंक्शंस की F1 से स्टार्ट होती हैं और F12 पे खत्म होती हैं। F1 टू F12 कीज आर कॉल्ड फंक्शन कीज। दीज आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस, ये मुख्तलिफ किस्म के पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल F5 इज यूज्ड टू रिफ्रेश द वेब पेज इन इंटरनेट ब्राउजर। F5 की किस लिए यूज होती है, अगर जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आपने अगर अपने वेब पेज को रिफ्रेश करना है तो आप F5 की को प्रेस करते हैं। इन मोस्ट प्रोग्राम्स F1 विल ओपन हेल्प। आपने अक्सर देखा होगा अगर आपको कभी हेल्प चाहिए वर्ड को यूज करते हुए, पावर पॉइंट को यूज करते हुए, तो आप F1 की को प्रेस करते हैं। जैसे ही आप F1 की को प्रेस करते हैं आपके पास हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। When you press it, a special window appears to display information about the program you are using. तो वो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें आप उसकी मदद से कोई भी हेल्प ले सकते हैं कि किसी भी चीज को या किसी भी बटन को या मेन्यू को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। Most IBM compatible keyboards have 12 function keys. आमतौर पर जितने भी कीबोर्ड्स होते हैं वो उसमें 12 function keys होती हैं। Many programs use function keys along with modifier keys to give the functions key more capabilities. इसी तरह हम functions keys को different modifier keys जो हमने अभी पहले देखी थी या special keys के साथ इस्तेमाल करके अपने keyboard की capability को में और ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। Cursor movements की, हमारे पास different किस्म की cursor को की movement को control करने के लिए keys होती हैं। उन keys को हम arrow keys कहते हैं। There are 4 keys for cursor navigation. यानी अगर आप cursor को different angles में move करना चाहते हैं तो आपको cursor keys की ज़रूरत होती है। हमारे पास 4 तरह की cursor keys हैं। कौन कौन सी? Left arrow key की मदद से हम क्या कर सकते हैं? Left side पे अपने arrow को move कर सकते हैं। Right arrow की मदद से हम right side पे arrow को move कर सकते हैं। Down arrow की मदद से हम नीचे की तरफ अपने arrow को move कर सकते हैं। और up arrow की मदद से हम ऊपर की तरफ अपने एरो को मूव कर सकते हैं। डिफरेंट कीज, हमारे पास कीबोर्ड में इसके अलावा भी हमने कुछ कीज देखी थी। एस्केप की, इट इज यूज्ड टू एस्केप एग्जिट फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप किसी एप्लीकेशन पे हैं, कोई डायलॉग बॉक्स है उससे आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप एस्केप की को प्रेस करते हैं। स्पेस बार, इट इज हॉरिजॉन्टल वाइड की इन द लोअर मोस्ट रो, इट जनरेट स्पेस बिटवीन टू करेक्टर्स।
आपको अपने कीबोर्ड में स्पेस बार की दिखाई होगी, ये आपके कीबोर्ड की सबसे वाइड की होती है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने दो करेक्टर्स में स्पेस डालनी है, दो वर्ड्स में स्पेस डालनी है, तो हम स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। पंचुएशन कीज, दीज आर कीज टू एंटर पंचुएशन एंड आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ अल्फाबेट्स कीज। आपके जहाँ पे अल्फाबेट्स कीज हैं उनके साथ ही आपको पंचुएशन कीज नजर आती हैं। पंचुएशन कीज अगर जैसे कि आपने कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप एंटर करना है तो आपको पंचुएशन कीज की जरूरत होगी, जो कि आपको अल्फा न्यूमेरिक कीपैड पे दिखाई देती हैं। एंटर की, एंटर और रिटर्न की कॉज कर्सर टू गो टू नेक्स्ट लाइन फ्रॉम और विंडो टू परफॉर्म इट्स डिफॉल्ट फंक्शन। एंटर की मदद से अगर आपने किसी नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है, किसी प्रोग्राम को रन करना है, तो हम एंटर की का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन की, इट लॉन्चेस द मेन्यू विद द कीबोर्ड रेदर देन द यूर राइट माउस बटन। ये क्या करता है, कीबोर्ड की मदद से आपके मेन्यू को लॉन्च कर देता है बजाय कि आप माउस का इस्तेमाल करें। उम्मीद है मुझे आज के इस लेक्चर में आपने डिफरेंट किस्म की कीज देखी। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।